आज का हमारा टॉपिक है द फाइव किंगडम्स। टू किंगडम सिस्टम के पिलेवर के बाद एक इकोलॉजिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट व्हाइटी करता, उन्होंने 1969 में उस वक्त के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम्स में तकसीम किया। ये किंगडम कौन कौन से थे? ये किंगडम मोनिया, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमिलिया थे। अब हर किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं किंगडम मोनिरा के बारे में। किंगडम मोनिरा में जो ऑर्गेनिज्म शामिल थे वो प्राइमेटिव थे, यानी ये पहले जानदार थे जो इस दुनिया पर आबाद हुए। माइक्रोस्कोपिक थे, माइक्रोस्कोपिक भी इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। दे आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर भी एक सेल से बने होते हैं। नो न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए इनको प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है। इनका सिंबल न्यूरिन से बना होता है। एग्जांपल में हम बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इनके एग्जांपल लेते हैं। इस तरह किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म शामिल थे वो यूनिसेलुलर थे, यानी इनकी बॉडी भी एक सेल से बनी होती है। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इनको यूकेरियोट्स भी कहा जाता है। प्लांट्स की तरह थे, लाइक प्लांट्स, यानी इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये इनमें जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्लांट्स की तरह भी थे और एनिमल्स की तरह भी थे, यानी लाइक एनिमल्स वो हरकत भी कर सकते थे। इनके एग्जांपल में हम अमीबा, यूरिना और पिरामिशियम को लेते हैं। तीसरा किंगडम किंगडम फंजाई या इसको किंगडम माइकोटा भी कहा जाता है। इनमें जो ऑर्गेनिज्म शामिल थे मल्टीसेलुलर थे, यानी इनकी बॉडी बहुत से सेलों से बनी होती थी। हेटेरोट्रॉप्स थे, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, या पैरासाइट्स की शक्ल में पाए जाते थे या सिर्फ प्रोबाइट्स की शक्ल में, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करके उन्हें बीमारियां पैदा करते थे या मुर्दे अजसाम से अपनी खुराक हासिल करते थे। ये यूकेरियोटिक थे, इनके सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता था, इनका सेल वॉल काइटिन से बना होता था। इनके एग्जाम्पल में हम यीस्ट, मशरूम और राइजोफस लेते हैं। इसी तरह किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म थे सारे मल्टीसेलुलर थे, यानी सारे प्लांट्स में शामिल थे जो मल्टीसेलुलर थे, यूकेरियोटिक थे, इनके सेल्स में भी न्यूक्लियस पाया जाता था, इनमें क्लोरोफिल होता था, क्लोरोफिल की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। चूंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल में हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज हम लेते हैं। इसी तरह किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया में जो ऑर्गेनिज्म शामिल थे सारे मल्टीसेलुलर थे, यानी ये एनिमल सारे मल्टीसेलुलर थे, इनमें सिल्वाल नहीं पाया जाता ना ही क्लोरोफिल, इसी तरह ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल में अर्थवर्म, फिश, फ्रॉग, मेन वगैरह सब आते हैं। शुक्रिया।